हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे सो स्टूडेंट्स ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी आप लोगों के लिए रिसेंटली पंजाब में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आए थे उनकी डिस्कशन की एक सीरीज लेके आया है इसमें हम हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम आ, एक एग्ज़ाम जो हुआ था रिसेंटली उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम हुआ था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जिसमें क्लर्क और डी e. की पोस्टें थी ये एग्ज़ाम अपना फैब uh, टू में कंडक्ट किया गया था तो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो एक क्वेश्चन आया था पिक द ओड वन आउट तो टॉपिक का जो नाम है इस टॉपिक को कहते हैं क्लासिफिकेशन या इसे हम ऑड वन आउट कहते हैं या ऑड मैन आउट कहते हैं तो इस टॉपिक में क्या होता है कि अपने पास फ़ोर या फ़ाइव ऑप्शन होते हैं हमें देखना होता है कि सिमिलरिटी ज़्यादा क्या है तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोर ऑप्शन हैं जिसमें हमें ढूँढना है कि थ्री ऐसे ऑप्शंस होंगे जो सेम होंगे और एक क्या होगा डिफरेंट सो एज़ पर द नॉलेज पंजाब केरला बिहार और जम्मू एंड कश्मीर में इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था डी ऑप्शन क्योंकि सिमिलैरिटी क्या है ए ऑप्शन बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो क्या है स्टेट्स हैं जबकि डी ऑप्शन स्टेट नहीं है इसलिए इसका जो आंसर था वो क्या था डी ऑप्शन तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं तो रीजनिंग का सिलेबस जो है वो काफ़ी है जिसमें से क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं किस टॉपिक के तो हम यहाँ पे क्लासेस में ये चीज़ें बताते हैं कि कंफर्मेशन टॉपिक कौन से हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक कौन से तो एक स्ट्रैटेजी रहती है ठीक है जिसमें ये एक टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है मिनिमम इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में क्वेश्चन ये है टॉपिक जो है इसका नाम है अल्फाबेट सीरीज ठीक है ये क्वेश्चन था अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है तो क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इन द वर्ड वर्ड इज कम्युनिकेशन ठीक है फिलहाल के लिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ कि अपने पास यहाँ पे एक वर्ड था कॉम्युनिकेशन एन आई सी ए टी आई ओ एन एस कॉम्युनिकेशन कहते एक ये वर्ड गिवन है इसमें इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इन द वर्ड इन द वर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ये है सी और ओ वर इंटरचेंज इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि ये ओ और सी हो गया मतलब पहला स्टेप ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरचेंज हुए ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ तो इसका मतलब एम और एम ऐसे हो गया थर्ड एंड फोर्थ के बाद लिखा फिफ्थ एंड सिक्स लेटर तो फिफ्थ यू और एन तो क्या बन गया एन और यू एंड सो ऑन का मतलब सेम सीक्वेंस तो आई सी सी आई ए टी टी ए देन आई ओ ओ आई देन एन एस एस और एन तो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये हो गया जो उसने लिखा और लास्ट में लिखा विच लेटर वुड बी वुड बी टेंथ लेटर काउंटिंग फ्रॉम फ्रॉम योर राइट सो ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में पहला स्टेप तो ये हमारा लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड फ्रॉम राइट टेन नंबर पे कौन है देन काउंटिंग सिंपल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन और टेंथ तो अपने को बताना था कि विच लेटर बुड बी टेंथ लेटर तो राइट right से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था सी ऑप्शन तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया अपना क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से कन्फर्मेशन है आता है दूसरा अल्फाबेट सीरीज का ये क्वेश्चन था सी इसका आंसर था उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज कॉल्ड पजल ठीक है तो यहां से एक क्वेश्चन यहां पर बना था हाँ बट एक सेट के अपने पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव क्वेश्चन एक सेट से डायरेक्टली बन रहे थे तो क्वेश्चन था रबी एंड कुनाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल सचिन एंड रबी आर गुड इन हॉकी एंड बेस गौरव एंड कूनाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल सचिन गौरव एंड मिशेल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल तो ये एक पजल का क्वेश्चन है इनमें हर पजल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की पहचान होती है कि उन क्वेश्चन को एक शॉर्ट में किस तरीके से किया जाता है ताकि हमें कन्फ्यूज़न हो तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको करने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले लिखेंगे एक तरफा नीम जैसे कि यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें जो है मेथड क्या हैं ये सारे हम क्लासेस में प्रॉपरली बताते हैं तो रबी एंड कुनाल तो मैं एक कॉलम में सबसे पहले क्या लिखूँगा इन सभी के नेम ठीक है जैसे लिखा आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल तो जबकि मैं दूसरी साइड जैसे ये कॉलम में लिख रहा हूँ नहीं तो मैं दूसरी साइड लिख दूंगा ये जिनके बारे में बात हुई है कि ये गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल तो एक साइड में ये लिखता जाऊंगा सेकंड लाइन में था सचिन एंड रबी ठीक है तो साथ के साथ आपने क्या यहाँ पे टिक भी करते चना है ठीक है तो रबी एंड कुनाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल तो रबी एंड कुनाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल तो साथ में इन दोनों के ऊपर टिक कर दूंगा मीन्स एक मैं क्लब कर दूंगा सारी चीजें कैसे देखते हैं सचिन एंड रवि अब देखो मैंने रवि का नाम तो लिखा ही हुआ था तो साथ में मैंने क्या कर यहां पे सचिन अब कहता है कि सचिन और रवि आर गुड इन हॉकी हॉकी तो मैंने लिखा हुआ था और साथ में क्या लिखा हुआ है पे हॉकी और साथ में लिखा हुआ है बेसबॉल तो यहाँ पे मैं एक रो में एक और लिख लेता हूँ बेसबॉल अब हॉकी और बेसबॉल क्या है हॉकी और बेसबॉल सचिन और रवि तो सचिन के पास हॉकी और टिक कर दिए रवि के पास ऑलरेडी था साथ में बेसबॉल रबी के पास और साथ में सचिन के पास ठीक है तो ये आप समझ आना प्रॉपर एक लाइन में कहाँ पे आ रहा है ठीक है डन तो सचिन एंड रबी गुड इन हॉकी एज वेल एज इन बेसबॉल थर्ड लाइन में लिखा था गौरव एंड कुनाल तो ठीक है कुनाल तो लिखा हुआ तो यहाँ पे एक नेम आ जाता है गौरव तो कहता है गौरव एंड कुनाल आर गुड इन क्रिकेट गुड इन क्रिकेट तो सबसे पहले तो मुझे एक और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिकेट तो क्या है गौरव एंड कुनाल तो गौरव के पास क्रिकेट के नीचे टिक कर देंगे गौरव के साथ क्या है कुनाल तो कुनाल के सामने क्रिकेट के नीचे टिक कर देंगे साथ के साथ लिखते थे साथ के साथ बनाते गए गुड इन क्रिकेट एंड इन वॉलीबॉल गुड इन वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल भी करेंगे गौरव कुनाल के पास तो गौरव वॉलीबॉल तो बनाया हुआ था नीचे साथ में क्या है कुनाल तो यहाँ पे वॉलीबॉल कुनाल के पास ऑलरेडी टिक है डन अगली लाइन लास्ट सचिन गौरव एंड मिचल सचिन का नाम भी है गौरव का नाम भी है और अपने पास एक नेम और आ गया मिचल ठीक है एम आई I... <coughs> तो ये अपने पास एक नेम आ गया अब तीन लोग हैं सचिन गौरव सचिन गौरव एंड मिशेल गुड इन फुटबॉल तो मुझे फुटबॉल के लिए एक और यहां पे लिखना पड़ेगा जगह पे तो ये तीनों के साथ टिक हो जाएगा सचिन गौरव मिशेल। तो सचिन के सामने फुटबॉल गौरव के सामने फुटबॉल और एज वेल एज मिचल के सामने फुटबॉल यहां पे आ गया फुटबॉल के साथ क्या लिखा है बेसबॉल तो बेसबॉल ये है तो सचिन के सामने बेसबॉल ऑलरेडी टिक देन गौरव के सामने बेसबॉल और टिक करेंगे क्योंकि टिक नहीं था एंड मिचल के सामने वॉलीबॉल तो इसको एक क्लब करके हमने डाटा बना दिया सो दैट कि मुझे आगे के पांच क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम ना हो एक जगह पे कलेक्टिव डाटा बना दिए सबसे पहला क्वेश्चन हु आर गुड इन हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल मतलब तीनों में गुड हो सबसे पहला नाम हॉकी लिखा है तो मैं देखता हूँ कि हॉकी का यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने नेम अब हॉकी के नीचे कितने टिक हैं वन टू थ्री हॉकी के नीचे कितने टिक हैं थ्री टिक हैं इसका मतलब हॉकी वाले तीन लोग हैं अब हॉकी इन तीन के बाद क्या है जो इन तीन में क्रिकेट भी आए तो हॉकी वाले के साथ साथ तीन ये तो हॉकी में गुड है एज वेल एज इन तीन में देखना है कि क्रिकेट भी आए तो क्रिकेट में गए तो क्रिकेट में रबी तो नहीं है और ना ही अपने पास क्या है सचिन तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कुनाल क्योंकि अब कुनाल ही बचता है एक ऐसा मेंबर जो हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल होगा देख लो सचिन कुनाल हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल तो तीनों के पास यहाँ पे टिक हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था ए ऑप्शन तो ट्वेंटी फोर्थ का आंसर क्या था ए ऑप्शन राइट उसके बाद वाला क्वेश्चन था हु इज़ गुड इन बेसबॉल पहले तो बेसबॉल पे आते हैं तो बेसबॉल वाले कितने लोग हो गए एक दो तीन चार बेसबॉल इन चार में से देखना है कि क्रिकेट किसके पास चला जाता है तो इस मेंबर के सामने क्रिकेट नहीं है तो इन तीन में इसमें भी नहीं है इन तीन में इसमें है और ये तो मेरे पास यहां पे गौरव दिख रहा है अब ये क्रिकेट के साथ अकेला यही बचा तो मैं इधर से भी आंसर दे दूँगा ठीक है बाकी अगर चेक करना है वो लग बात है तो बेसबॉल <coughs> देन क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल देखो और साथ में फुटबॉल तो गौरव अपने पास यहाँ पे आंसर दिखाता है तो 25 का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा 26 में लिखा था हु इज गुड इन बेसबॉल अगेन बेसबॉल लिखा तो बेसबॉल देखते हैं कितने टिक हैं एक दो तीन चार बेसबॉल के साथ साथ कॉमन क्या जाना चाहिए वॉलीबॉल वौल। तो ये बेसबॉल में जो वॉलीबॉल कॉमन है ये मेंबर आ गया एक ये नहीं है सचिन क्रॉस गौरव आ गया और मिशेल क्रॉस तो रबी और गौरव में ही आंसर होगा बेसबॉल अब वॉलीबॉल के बाद अपने पास क्या आ जाता है हॉकी तो अब अब देखना है कि बेसबॉल ये आ गया बेसबॉल ये वाले एलिमिनेट हो गए क्योंकि वॉलीबॉल नहीं है तो ये और ये कॉमन हो गया बेसबॉल और वॉलीबॉल कॉमन हो गया अब साथ में हॉकी अब गौरव के पास हॉकी तो है नहीं तो अपने पास क्या आ गया रबी रबी एक ऐसा मेंबर है जो इसमें गुड क्या है वॉलीबॉल सॉरी बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी तो इसका आंसर जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है बी ऑप्शन रबी एंड नेक्स्ट हाउ मेनी प्लेयर्स आर गुड इन थ्री और मोर गेम्स तीन और तीन से ज़्यादा तो कितने प्लेयर्स हैं जैसे कि रबी देखा तो एक दो तीन बिल्कुल रबी हो सकता है आंसर तीन तो है ये गुड या तीन से ज़्यादा कुणाल एक दो तीन बिल्कुल ये भी हो सकता है सचिन एक देख लो ये लाइन है पूरी ठीक है एक दो तीन ये भी है गौरव एक दो तीन चार ये तीन से ज़्यादा ये भी होगा मिछेल एक और दो मिछेल आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ दो में ही गुड है तो इसका आंसर आ जाता है वन टू थ्री फोर मीन्स चार ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीन या तीन से ज़्यादा गेम्स में गुड है बस एक मिछेल है जो दो गेम्स में गुड है अपने पास ट्वेंटी का आंसर क्या आ जाता है सी ऑप्शन ट्वेंटी इन विच गेम हमें गेम का नाम बताना है लीस्ट प्लेयर्स आर गुड ठीक है तो हॉकी में काउंटिंग करते हैं हॉकी में कितने गुड है तीन लोग गुड हैं वॉलीबॉल में एक दो तीन तीन लोग गुड हैं बराबर है बेसबॉल में वन टू थ्री फोर इसमें ज़्यादा हो गया ये आंसर नहीं रहेगा क्रिकेट में कितने गुड हैं दो और फुटबॉल में कितने गुड देखो तीन तो ये तीन तो लीस्ट गुड कौन हुआ दो क्योंकि बाकी तो दो से ज़्यादा है तो क्रिकेट वो गेम है जिसमें कम प्लेयर गुड हैं तो बी ऑप्शन इसका क्या आंसर आ जाता है तो ट्वेंटी फोर का देखो ए ऑप्शन ट्वेंटी फाइव का ए ऑप्शन 26 का बी ऑप्शन 27 का सी ऑप्शन और 28 का बी ऑप्शन तो ये एक पजल का क्वेश्चन था अब ये कैसे अरेंजमेंट बनाते हैं क्या तरीक़ा होता है क्या पहचान होती है ये प्रॉपरली आपको बताया जाएगा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था उसमें क्वेश्चन आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन अब इसमें क्या मेथड रहते हैं क्वेश्चन को बनाने का कि एग्जाम में हम किस तरीके के अप्रोच रखते हैं इसमें तो क्वेश्चन अपने पास ए इज़ ब्रदर ऑफ बी ठीक है तो लिखा हुआ है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ए इज ब्रदर ब्रदर है एक मेल मेंबर है तो हम साइन यूज़ करेंगे प्लस का क्योंकि ब्रदर है तो हम एक होरिजोनटल लाइन बनाते हैं अब ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से बताई जाती हैं बट बत ये एक इन क्वेश्चन की हम अरेंजमेंट फॉलो करते हैं तो ए इज ब्रदर ऑफ बी शॉर्ट में ये बनाते हैं सी इज मदर ऑफ ए तो ये ए है मदर के लिए हम एक गैप बनाते हैं वर्टिकल लाइन का और सी का प्लेस रखेंगे मदर के लिए माइनस का साइन और नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी अब बी जो है ये है बी ग्रैंड डॉटर मतलब फीमेल है माइनस का साइन क्योंकि ये ग्रैंड डॉटर है किसकी डी के तो इसका मतलब डी का प्लेस ऊपर रहेगा तो यहाँ पे अब ये ग्रैंड डॉटर होगी तो ग्रैंड डॉटर के लिए सबसे पहला वर्ड ये होता है पैटर्नल साइड बनता है ठीक है पैटर्नल साइड मींस कि ग्रैंड डॉटर हम कैसे बनाएंगे तो ये जो सी है इसको मैं क्या करता हूँ बनाने का जो तरीका है इसका वो ये है कि ए का जो फादर होगा नाम नहीं शो है क्वेश्चन मार्क कर दिया प्लस का साइन तो यहाँ पे मैं मैरिड कपल बना देता हूँ कि ए और बी का ये फादर है नाम नहीं पता तो ए और बी की ये क्या होगी मदर तो ये पहली लाइन डन है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी देन सी इज़ मदर ऑफ़ ए क्योंकि ये लाइन फिट करनी थी बी इज़ ग्रैंड डॉटर तो ग्रैंड डॉटर ऑफ डी तो बी जो है वो ग्रैंड डॉटर है डी की तो यहाँ पर ऊपर बनेगा डी डी का जो सन होगा सन की जो डॉटर होगी उसके उसको कबाब ग्रैंड डॉटर ठीक है और ये ए इसका ग्रैंड सन हो गया नेक्स्ट एफ इज सन ऑफ ए तो ए का जो सन है वो कौन है एफ तो एफ नीचे प्लस का साइन देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी तो एफ का रिलेशन बताना है सी के साथ तो एफ का रिलेशन सी के साथ क्या हुआ ये गैप दो जो आते हैं दो गैप क्या बताते हैं ग्रैंड अब एफ जो है वो नीचे है तो ये प्लस का साइन ये बताता है ग्रैंडसन तो इसका आंसर क्या आ जाता है डी ऑप्शन तो एफ रिलेटेड टू सी डी ऑप्शन ग्रैंड सन इसका आंसर रहेगा अब ये जो आ, ऑडिड फॉर्म में हम इन चीज़ों को करते हैं प्रॉपरली हम क्लासेस में बताते हैं और इसके क्या शॉर्टकट रहते हैं और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं बट ये जो क्वेश्चन था वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन ठीक है उसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन इसमें आया था अगेन सिटिंग अरेंजमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से भी क्वेश्चन आया था और इसके वन टू थ्री फोर क्वेश्चन आए थे तो बेसिकली मैं पूरे पजल को मिला के बोलूँ कि पाँच वहाँ पर हो गए सिटिंग अरेंजमेंट एक पज़ल का पार्ट हो गया अपने पास तो नौ तो क्वेश्चन अपने इसी के थे तो टोटल तो मतलब आप एक प्रॉपरली पूरा टॉपिक पजल सिटिंग अरेंजमेंट का करता तो आपको नाइन क्वेश्चन यहाँ पर मिल

उसके बाद उसने लिखा एंड फेसिंग द सेंटर फेसिंग द सेंटर का मतलब ये लोग सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं एरो नहीं बनाऊँगा इनसाइड से इधर होता है लेफ्ट और इधर क्या होता है राइट right. फिर ये जो लेफ्ट राइट right है वो मैं एक डायरेक्शन में रोटेट कर देता हूँ तो, एग्ज़ाम में लिखना नहीं होता है लेफ्ट राइट right को ये समझना होता है बट क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट right लिख रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए लेफ्ट और राइट उसके बाद अब हमें उसने कहा कि सात मेंबर है सर्कल में है अंदर फेस कर रहे हैं जिसने क्या क्लियर करवाया कि लेफ्ट और राइट के रहेंगे हर मेंबर के सेम में रहेंगे जबकि हमें हर प्लेस के लेफ्ट राइट ऑलरेडी कंफर्म हो जाते हैं तो अगर क्वेश्चन में जो मेंबर है यहाँ पे तो हम किसी एक प्लेस को चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन और वो प्लेस कौन सा रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करना चाहते हो जिसमें जी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी तो मैं सी को भी रख सकता हूँ जी को भी रख सकता हूँ मैं लाइन खत्म नहीं हुई जी का जो प्लेस है वो विद रिस्पेक्ट टू तो सी है एंड हु लगा अगला वर्ड तो हु का मतलब होता है सेकंड पर्सन की बात होती मीन्स साथ वाले की बात होती है तो हु किसके लिए रहा सी के साथ सी हु का मतलब सी इज़ एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ़ तो मैं चलो पहले क्या करता हूँ एफ बना लेता हूँ <coughs> तो मैंने इस प्लेस पे क्या कवर कर लिया एफ़ जिससे मुझे पता चल गया एफ रखने पर लेफ्ट क्या है और इसके इमीडिएट लेफ्ट पे तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट किसके है? साथ आ गया यहां पे सी तो सी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ एफ रखा इमीडिएट लेफ्ट पे सी जबकि सी बन गया तो जी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी तो सी का लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड तो यहां पे कौन आ जाता है जी तो जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी ये हो गया अपने पास कबर उसके बाद उसने लिखा ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई तो जहाँ पे भी कहीं पे भी ई e आएगा जो भी इसका लेफ्ट रहेगा तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कौन आएगा ए तो कुल मिला के ए और ई e के बीच में गैप आना चाहिए दो का और लास्ट में लिखा है बी इज बिटवीन डी एंड डी अब ये जो बिटवीन वर्ड होता है तो बिटवीन वर्ड यहाँ पे बताया नहीं क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज तो क्या होता है बाई डिफॉल्ट सेटिंग अरेंजमेंट का रूल होता है कि एक तो बिटवीन जो बनाना होता है वो बनाना होता है एग्जैक्टली exactly बिटवीन दूसरा कि जो गैप होता है वो पहला होता है जीरो जीरो का गैप जीरो जीरो का मतलब है ऐसे कि बी इज बिटवीन डी एंड डी तो बी से डी अब मुझे नहीं पता डी साइड होना इस साइड होना सपोज अगर यहाँ पे डी हुआ तो यहाँ पे हुआ तो ये बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा जीरो जीरो अगर ये फिट नहीं दूसरा दूसरा ऐसे कि बी इज बिटवीन डी एंड डी तो यहाँ पे ई e और यहाँ पे क्या आ जाता है डी तो ये जीरो जीरो का गैप मतलब इनमें से कोई एक चीज क्या होनी है सही तो यहां से ये यह पता चलता है कि पहली बात बिटवीन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताया तो तब तक हम अपने तरीके से देखेंगे किस तरीके से अब इसमें जो रूल होता है बिटवीन एग्जैक्टली exactly बनाना होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो शोटर रूट से चलना होता है बड़े रूट की तरफ तो शोटर रूट का मतलब है अपने पास कि जीरो जीरो का गैप अगर ये फिट नहीं होता तो वन वन का गैप देन टू टू का गैप अब ये ना हो क्या बोलो जीरो जीरो, जीरो बन बन भी फिट हो रहा है वन वन भी फिट हो रहा तो हम किसको हम पहले ज़ीरो ज़ीरो नहीं तो वन वन नहीं तो टू टू ऐसा है तो इससे ये है कि हमें जीरो जीरो का गैप बनाना है बी बीच में बनाना है ई और डी का तो इस जीरो जीरो का गैप का मतलब ये तीनों इकट्ठे आने चाहिए मैं एक ऐसा जगह देखता हूँ जहाँ पे इकट्ठे आ जाए तो यहाँ पे तो इकट्ठे आ नहीं सकते तो ये तीन ही प्लेस है जहाँ पे ये इकट्ठे आ सकते हैं अब यहाँ पे इकट्ठे आने पर यह समझ आता है कि यही प्लेस किसका होना चाहिए बी का और ये वाले जो सात वाले प्लेस हैं ये इधर डी और ई इधर डी और ई किसी के रहेंगे पर अब अगर ये डी और ई में से प्लेस रहेंगे तो ये डी और ई में से प्लेस रहेंगे तो जी डी और ई बी डी और ई एफ सी तो एक ही मेंबर बच्चा ए तो वो इधर ही आएगा अब क्योंकि ये ए इधर आया तो हमें पता है कि ई के थर्ड लेफ्ट पे आएगा तो मैं अगर ई को सोचूं यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि ई का लेफ्ट होता है एक दो तीन एफ वो गलत हो जाता तो ये वाला प्लेस जिस कारण कन्फर्म हो गया ई यहाँ आना चाहिए सो दैट ई का लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए आ गया ये भी फिट हुआ एज वेल एज बी इज बिटवीन डी एंड ए तो ये इसकी अरेंजमेंट थी जिसमें क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया था हु इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन छोटा रूट ठीक है <coughs> तो ई e और सी अपने पास ये ई e और सी तो बीच में कौन आ गया एफ तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था ए ऑप्शन ठीक है जी नेक्स्ट हु इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए अब क्योंकि ए का प्लेस आपको पता है लेफ्ट पता है तो पहला लेफ्ट जी सेकंड लेफ्ट कौन है डी तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन नेक्स्ट हु व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी पहला ऑप्शन लेफ्ट ऑफ डी अभी ये लेफ्ट का मतलब बाई डिफॉल्ट इमीडिएट रहना चाहिए ठीक है तो पोजीशन ऑफ जी ए ऑप्शन लेफ्ट ऑफ डी इट मींस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी तो देखा जाए तो डी तो डी के तो वो राइट right पे इमीडिएट मतलब ये ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट राइट ऑफ ई राइट वर्ड अगेन बाई डिफॉल्ट इमीडिएट काउंट करेंगे तो जी इमीडिएट राइट ऑफ ई ये ई e का राइट right इमीडिएट नहीं है नेक्स्ट पोजिशन ऑफ जी बिटवीन ए एंड डी पोजीशन ऑफ जी बिटवीन ए एंड डी बिल्कुल फिट हो रहा है जी ए और डी के बीच में है तो so, इसका आंसर क्या था सी ऑप्शन नेक्स्ट हुई सिटिंग एडजेसेंट एडजेसेंट मीन्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ एडजेसेंट राइट ऑफ एफ मीन्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ तो एफ कहाँ है ये एफ का राइट ये एफ के इमीडिएट राइट पे कौन है ई e. तो so, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था ए ऑप्शन तो थर्टी वाले का आंसर चेक करो ए ऑप्शन था थर्टी वन का आंसर क्या था डी ऑप्शन थर्टी टू का आंसर था सी ऑप्शन और थर्टी थ्री का आंसर था ए ऑप्शन ठीक है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली चार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे डन अगला सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपना कैलेंडर का है सो so, स्टेट के एग्जाम में कैलेंडर और क्लॉक से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है कि आना ही आना है अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या अप्रोच होती है आप रीड करें सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा हुआ है कि इफ यू वर बोर्न ऑन 14th अप्रैल 1992 इफ यू वर बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1992 और गिवन व्हिच वाज सनडे जो कि एक सन्डे था देन ऑन विच डे ऑफ द वीक ऑफ द वीक डज़ योर बर्थडे फॉल इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री तो आपको ये बताना है कि फिर फोर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी थ्री इस दिन जो आपका बर्थडे तो वो कौन से दिन आता अगर फोर्टीन अप्रैल 92 को संडे होता है इसमें हम एक मैथड यूज करते हैं इसमें एक मैथड यूज होता है सबसे पहला क्या कि ये है फोर्टीन और ये भी क्या है फोर्टीन सो दैट मैथड के अकॉर्डिंग यहां पर बनता है सेम डेट सेम डेट बनी देन 92 और ये क्या है? 93, 92 से 93 थ्री नेक्स्ट ईयर नाइन्टी से 93 जाएंगे नाइन्टी टू का नेक्स्ट नाइन्टी थ्री एक मेथड बनता है ठीक है जी सेम डेट सेम डेट मतलब इस ईयर से नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर के बाद अब हमने देखना है कि इस 1492 से नेक्स्ट 1493 के इन बिटवीन इन बिटवीन 29 नाइन फैब आता है कि नहीं सो so, 92 टू फाइंड करना पड़ेगा कि इज नॉर्मल और लीप तो 1992 टू इज अ लीप ईयर एंड नाइनटीन थ्री इज अ नॉर्मल ईयर लीप एयर कहता है कि उस साल में ही ट्वेंटी नाइन फाइव आती है और नॉर्मल ईयर कहता है कि उस साल में ट्वेंटी नाइन फाइव नहीं आती बट मुझे ट्वेंटी नाइन फाइव देखनी है फोर्टी अप्रैल नाइनटीन नाइनटी टू स्टार्टिंग पॉइंट है फोर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटी थ्री एंडिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग टू एंडिंग के इन बिटवीन ट्वेंटी नाइन फाइव आती है कि नहीं आती है सो फोर्टीन अप्रैल से अगर मुझे स्टार्ट करना पड़े नाइन्टी टू एक लीप होता है बट 92 में जो 29 नाइन फैब आएगा वो अप्रैल से पहले आएगा तो मतलब अगर मैं 14 अप्रैल से जाऊंगा तो 14, 15 अप्रैल 16 अप्रैल अप्रैल कंप्लीट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 14 अप्रैल से लेके हमने 92 दिसंबर खत्म कर लिया कोई 29 नाइन फैब नहीं दिखी नेक्स्ट नो डाउट स्टार्ट हुआ नाइन्टी थ्री जैन आए बट जैन में थर्टी वन के बाद फैब आया फैब में अट्ठाईस दिन होते ट्वेंटी नाइन हमने फोर्टीन से फोर्टीन नाइन्टी थ्री तक देखा बट ये जो ट्वेंटी नाइन फैब है हमें इस गैप के बीच में नहीं दिखा जब इनके बीच में 29 ना दिखे तो इसका मतलब होता है एक केस बनता है ये कौन सा नॉर्मल ईयर का और उस केस में जो ऐड होता है वो होता है शॉर्टकट प्लस वन डायरेक्टली ठीक है तो सेम डेट नेक्स्ट ईयर इस गैप के बिटवीन 29 फेब नहीं आया तो बनता है ये केस एक नॉर्मल ईयर का सो तो इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर वन डे विल बी एडिड प्लस वन करते हैं तो संडे प्लस वन शॉर्टकट इसका आंसर आ जाता है मंडे तो ये यहाँ पे इसका जो आंसर बना था वो था 34 का बी ऑप्शन राइट तो इसमें ये मेथड कर करे हैं अब कैलेंडर और ये क्लॉक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं हर टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट है किस तरीके से करते हैं किस तरीके से नहीं करते हैं बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आया था जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें जो पूछा गया था ये भी काफ़ी मतलब जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में रीजनिंग में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में पर उनमें कन्फर्मेशन कौन से हैं एंड प्रोबेबिलिटी कौन है तो हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि पहले ये कर लें अच्छे से ताकि अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाए सो so दैट उनमें से ये हो जाए कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें तो जो कन्फर्मेशन टॉपिक है जो हमने बताए हैं वो सारे के सारे आए हुए थे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डायरेक्शन का क्वेश्चन था यू गो नॉर्थ देन टर्न राइट अगेन राइट देन गो टू लेफ्ट इन विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग ना तो ये डायरेक्शन में एक टाइप आती है बेस्ड ऑन टर्नस टर्न्नस मीन्स लेफ्ट टू राइट टर्नस के बेस पर जिसमें हम क्लास में बताते हैं कि इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं कोई लाइन्स बनाने की जरूरत नहीं होती है हम क्या करते हैं पहली डायरेक्शन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है नॉर्थ माइंड में रखा देन टर्न राइट देन राइट अगेन देन राइट अगेन एंड देन गो टू लेफ्ट तो ये हमने यहाँ पे देखा राइट right, राइट right और लेफ्ट उसके बाद कहता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग तो हमें क्वेश्चन मार्क बताना है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं जितने भी टर्न है पहले दो उठाते होते हैं कौन से हैं अब दो की प्रॉबिलिटी होती है या दो लेफ्ट हो दो राइट right हो एक लेफ्ट एक राइट right, राइट right और लेफ्ट कुछ भी हो तो इसमें सबसे पहला मैथड कि ये जो क्या है दो राइट right है दो राइट right का मतलब कि अपने पास क्या हुआ सेम सेम अपने पास टर्न हुआ तो सेम टर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे पिछली डायरेक्शन का अपोजिट होना जैसे कि नॉर्थ अपोजिट साउथ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट तो नॉर्थ दो राइट दो राइट का एक मेथड होता है कि अपोजिट तो नॉर्थ का यहाँ पे क्या बन गया साउथ अब साउथ में एक लेफ्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ डायरेक्शन किस तरफ होती है ये एरो शो करता है साउथ डायरेक्शन ये एरो ये बताता है राइट लेफ्ट ठीक है जी तो यहां पे ये लेफ्ट होता है ये राइट देन टर्न क्या है अपने पास लेफ्ट तो लेफ्ट टर्न ये किया तो ये जो एरो है है ये शो करता ईस्ट डायरेक्शन तो इसका जो आंसर था वो क्या था डी ऑप्शन तो ये सारे लेफ्ट राइट बताए जाते हैं जस्ट समझाने के लिए मैंने ये बनाई हैं अदरवाइज हम यही क्वेश्चन इधर ही करते हैं पढ़कर ही खत्म करते हैं जैसे कि नॉर्थ राइट 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 का मतलब यहां पे क्या गया साउथ साउथ का लेफ्ट साउथ का लेफ्ट राइट right आपको याद होता है तो जिस कारण साउथ का लेफ्ट हमें पता चल right जाता है ईस्ट और राइट क्या हो जाता है वेस्ट तो इसका जो आंसर था वो क्या था डी ऑप्शन तो एक क्वेश्चन ये डायरेक्शन का पूछा गया था नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सिकवेंसिंग ये टॉपिक होता है जिसमें सिक्वेंसिंग में काफ़ी टॉपिक आ जाते हैं अपने पास कि आ, जैसे कि सिक्वेंसिंग में लॉजिकल ऑर्डर आ जाता है ये क्वेश्चन है जैसे नंबर सीरीज आ जाता है लेटर सीरीज आ जाता है नॉन वर्बल सेक्शन होता है जिसमें टॉपिक है तो ये एक सिक्वेंसिंग में लॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन था जिसमें लॉजिक देखना है कि क्या बनता है क्वेश्चन के ओ, ये क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है ठीक है बट पॉइंट आपको ये वर्ड्स पता हूँ अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर तो पहला है एल्बो शोल्डर फिंगर पाम एंड रिस्ट तो हम एक बॉडी में ये सारे के सारे नेम देखते हैं जो कि हमें इनके पोजीशन और ये पता है कि कौन से पार्ट्स हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट एल्बो ठीक है एल्बो आपको पता चल गया ठीक है शोल्डर आपको पता है शोल्डर ठीक है फिंगर्स आपको पता है ठीक है पाम आपको पता है नेक्स्ट रिस्ट आपको पता है अब यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्डर होता है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने क्या करना है हमने इसे इसमें क्या करना होता है आ, अगर एक ऑर्डर है प्रॉपरली इसमें जैसे हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर होगा लॉजिकल ऑर्डर होगा ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनेगा तो हमने देखना है कि इन पाँच ऑप्शन में सबसे बड़ा पार्ट क्या है सबसे बड़ा पार्ट क्या है बिगर और देखना है दूसरा कि सबसे स्मॉलर पार्ट क्या है या तो ऑर्डर क्या होगा बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट या दूसरा पार्ट होगा स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट तो हमें ये ढूंढना बाकी बीच माले में देखने की ज़रूरत नहीं है तो हमने इसमें ढूंढा कि एल्बो शोल्डर फिंगर पाम और रिस्ट का मतलब है कि मेरे पास एक शोल्डर और एक मेरे पास फिंगर है जिसके बीच में सारा है ठीक है जी शोल्डर एल्बो ठीक है जी अपने पास क्या हो गया रिस्ट uh, रिस्ट के बाद पाम और पाम के बाद क्या गया फिंगर तो सबसे छोटा पार्ट मेरे पास क्या है फिंगर तो स्मॉलेस्ट से अगर बिगेस्ट का ऑर्डर हुआ ऑप्शन में तो वो चलेगा नंबर तीन से और अगर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हुआ तो वो चलेगा शोल्डर से क्योंकि बिगेस्ट पार्ट इज शोल्डर तो मेरा जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो दो से चलेगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट की तरफ चलेगा तो दो से तो एंडिंग क्या होगी क्योंकि बिगेस्ट मेरे को पता चल गया टू और स्मॉलेस्ट ही तो अगर ऑर्डर बना दो तो तीन पे खत्म होगा अगर तीन चला तो किस पे ख़त्म होगा दो पे तो ऑप्शन देख लेना पहले ये देख लेते हैं टू एंडिंग थ्री ऑप्शन ए में नहीं बी में नहीं सी में नहीं और डी में भी नहीं है तो ये वाला ऑर्डर अपने पास दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर हमने यहाँ पे देखना ही नहीं है अब सेकेंड जो है अपने पास ऑर्डर स्मॉलेस्ट रूपी थ्री और एंडिंग टू तो ऑप्शन ए अगेन नहीं ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी थ्री और टू बिल्कुल और डी नहीं तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है सी ऑप्शन और कुछ देखने की जरूरत नहीं एग्जाम में अब मान लो कि एग्जाम में बोलो कि कैसे ये देख लें वो अलग बात है वो अलग बात है ये हम बस वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा कर रहे हैं डिस्कशन है। फिंगर तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट के फिंगर के बाद पाम ठीक है उसके बाद रिस्ट ठीक है उसके बाद एल्बो और उसके बाद शोल्डर तो हमें बस इस ऑर्डर में चलना होता है सिंपल तो एक लॉजिकल ऑर्डर का एक सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन था 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोडिंग एंड डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछे वाने वाला टॉपिक है अपने पास ये कोडिंग एंड डिकोडिंग अब इसमें क्या है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं सारी टाइप्स बताई जाती हैं और उनको करने का तरीका क्या है इसमें कौन से मैथड्स यूज़ होते हैं कैसे पहचान होगी तो क्वेश्चन है फायर एफ आई आर ई कहता फायर इज़ रिटन एज़ क्यू एच ओ ये इसका क्या है कोड मूव एज एम ओ वी ई एज जेड एम डब्ल्यू ई उसके बाद इन द सेम रूल हाउ ओवर हाउ ओवर ओ वी ई आर इज रिटर्न मतलब हमें इसका आंसर बताना है कि क्या रहेगा अब पहली बात की मुझे पता चलना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके नाम है अब इनमें सबसे पहले देखा कि ये है गिवन पार्ट और इससे ये पूछा है अब हमें देखा कि यहाँ पे लेटर क्या है ओ मुझे ऊपर वाले पार्ट में दिख रहा है अगला लेटर कौन है बी मुझे इस पार्ट में दिख रहा है तीसरा लेटर कौन है ई मुझे दोनों में दिख रहा है उसके बाद है आर यहाँ पे दिख रहा है अब मुझे ये जो वर्ड है इस वर्ड में चार लेटर और चारों के चारों लेटर ऊपर गिवन पैराग्राफ में प्रेजेंट है सो उन लेटर के मेरे पास बने बनाए कोड भी हैं तो इस टाइप को कहा जाता है डायरेक्ट कोडिंग जिस टाइप का डायरेक्ट कोडिंग की पहचान तो चलो आपको होगी डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है कि वर्ड का कोड अगर पूछा तो वर्ड के लेटर इसी में से ही होने चाहिए अगर कोड का वर्ड पूछा तो कोड के एलिमेंट इसी में से होने चाहिए तो यहाँ से एक पहचान होती है डायरेक्ट कोडिंग डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड टू सेकेंड थर्ड टू थर्ड फोर्थ टू फोर्थ ये इनके क्या रहेंगे कोड रहेंगे या फिर कई बार कुछ कॉमन भी होता है बट चलो पहले देखा जाए तो ओ ओ सेकेंड प्लेस पे होता है और सेकेंड प्लेस पे क्या है यहाँ पे एम तो डायरेक्ट के डायरेक्ट उसने कोड बना रखे हैं ये फाइंड करने की कोशिश नहीं करते एग्जाम में कि कैसे बना जरूरत नहीं है क्योंकि बने बनाए हैं कॉपी देन पेस्ट सिंपल बहुत सिंपल टाइप होती है तो ओ सेकंड प्लेस सेकंड प्लेस एम डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करना है वी थर्ड नंबर वर्ड में थर्ड नंबर पे कौन है डब्ल्यू तो डब्ल्यू आ जाएगा नेक्स्ट ई लास्ट लास्ट पे है लास्ट लास्ट में दोनों में ही क्या है ई e, e आ गया आर थर्ड नंबर पे है तो थर्ड पे क्या आ गया ओ तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है एम डब्ल्यू ई और ओ मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर रहा था ठीक है तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, है ये एक टाइप थी बहुत सारी टाइप्स है किसी भी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो टाइप है इस टाइप को कहते हैं सिंबल एंड नोटेशन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कंफर्म आता है नेक्स्ट लिखा है इसमें ए डिनोट्स मल्टीप्लाई है ये पी डिनोट्स प्लस सी डिनोट्स डिवाइड डी डिनोट्स माइनस देन फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखा हुआ है 18 ठीक है 18 ये पूरी की इक्वेशन दे रखी है 18 सी सी के बाद क्या है 3 देन 3 के बाद है ए ए के बाद क्या है नाइन ठीक है जी अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख दिया एटीन सी थ्री ए नाइन नाइन के बाद है डी एट डी एट उसके बाद क्या है बी और सिक्स बी और सिक्स ये था यहाँ पे जो इक्वेशन थी इसको लिख दिया तो सिमिलर नोटेशन में क्या होता है एक पहले आपको एक्सप्रेशन दे दी एक स्टेटमेंट दे दी उसको पहले आपने मोल्ड करना है जो इसने यहाँ पे ऊपर बताया जैसे ए का मतलब मल्टीप्लाई तो ये क्वेश्चन का पहले स्टेप नंबर वन क्या बनेगा एटीन सी सी डिनोट्स डिवाइड तो डिवाइड आ जाता है देन थ्री ए डिनोट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ जाता है देन नाइन डी डी डिनोट्स माइनस तो माइनस आ जाता है एट एंड बी डिनोट्स प्लस तो आ जाता प्लस देन सिक्स देन उसके बाद फिर क्या यूज़ करते हैं हम मास ठीक है जी आपको पता कि बोडमास यूज होता है तो बोडमास में अब हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो 18 डिवाइड बाय थ्री तो हो जाता है सोल्व यहाँ पे क्या आ जाता है सिक्स इन टू नाइन और बाकी तो ये माइनस एट प्लस सिक्स क्या हो गया अपने पास माइनस ये तो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं माइनस टू हो गया देन उसके बाद अपने पास क्या हो गया ठीक है जी अगर आपने प्रॉपरली सोल्व करना वो अलग बात है प्रॉपरली कर लेते हैं सोल्व ठीक है जी बाकी सिंपल सी चीज़ है तो एटीन डिवाइड बाई थ्री सिक्स इंटू नाइन माइनस एट प्लस सिक्स क्योंकि अब क्या होगा सात के साथ सोल्व पहले सिक्स नाइनजा फिफ्टी फोर देन माइनस माइनस एट प्लस सिक्स ठीक है जी तो उसके बाद अपने पास क्या बन जाता है माइनस टू सो देट फिफ्टी फोर माइनस टू इज इक्वल टू फिफ्टी टू तो मेरा आंसर यहाँ पे जो बनता है वो क्या है डी ऑप्शन फिफ्टी टू तो ये सिंबल एंड नोटेशन से एक क्वेश्चन ये बना था उसके नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन था ये अगेन अपने पास नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था नंबर सीरीज लेटर सीरीज से कन्फर्म होता है क्वेश्चन आता है तो ये जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चन कंफर्मेशन टॉपिक के क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे कंप्लीट द सीरीज सीरीज इज फाइव वन एट नाइन सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन नाइन नेक्स्ट नंबर तो इसमें जो लॉजिक है ये सारे लॉजिक बताए जाते हैं अब बट इसमें से उन लॉजिक में से जो हमने बताए थे उनमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक जो यूज़ हुआ था वो था यहाँ पे स्केयर और क्यूब की कॉम्बिनेशन का लॉजिक स्केयर और क्यूब की कॉम्बिनेशन का लॉजिक जिसमें क्या था कि जो वन एट नाइन सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन फोर्टी नाइन तो इस तरीके से अल्टरनेट में चल रहा है पर हुआ क्या इसमें इसका ये जो वन था वो बेसिकली वन का स्केयर था जबकि नेक्स्ट नंबर होता है वन का टू बट वो क्या कर दिया था क्यूब टू का नेक्स्ट नंबर थ्री जबकि उसका क्या कर दिया था स्केयर थ्री का नेक्स्ट नंबर था फोर बट उसका क्या, क्या कर दिया था क्यूब कन्जैगेटिव नंबर वन टू थ्री फोर चल रहा था बट वन टू थ्री फोर में क्या चल रहा है स्केयर क्यूब स्केयर क्यूब स्केयर क्यूब सो दैट वन स्केयर टू क्यूब थ्री स्केयर फोर क्यूब फाइव स्केयर ट्वेंटी फाइव ठीक है जी सिक्स क्यूब टू सिक्सटीन सेवन स्केयर फोर्टी नाइन तो एट का क्यूब होगा तो एट का क्यूब अपने पास कितना जाता है करके देख लेना फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व इसका आंसर था अपने पास फाइव ट्वेल्व बी ऑप्शन ठीक है जी तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कन्फर्मेशन टॉपिक थे उनमें से तो प्रॉपरली क्या है कि ये जो इनमें मेथड थे कैसे इनको शॉर्ट में किया जाता है प्रॉपरली सारी चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं ठीक है बट अब क्या है कि फ्यूचर में जितने एग्ज़ाम होंगे ठीक है अगर हमने वो प्रिपेयर करने हैं क्या शॉर्टकट रहता है ठीक है अगर आप कहीं पर लैक हो रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही हमने शॉर्टकट किए हैं सारी चीज़ें हमें पता होती अगर पहले से तो हमारी स्पीड भी बन जाती है ठीक है जी तो ये एक पोस्ट हुई थी ठीक है जिस पे ये एग्ज़ाम जो हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे तो सेम इसमें और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे ठीक है जी आपको लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए ठीक है जी अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है आप कुछ पॉइंट के नंबर पॉइंट से रह रहे हैं ठीक है तो आप प्रॉपरली गाइडेंस लेके यहाँ पर एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं जिसमें हम यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ठीक है एग्ज़ाम की चाहे स्टेट के एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम है ठीक है जी प्रॉपरली हम यहाँ पे गाइड करते हैं जहाँ ये जो बैच रहते हैं हमारे उसकी जो ड्यूरेशन रहती है ठीक है जी वो फ़ोर टू फाइव मंथ्स की ड्यूरेशन रहती है जिसकी क्लासेस का जो डेली का टाइम टेबल होता है वो थ्री टू फोर आवर्स का रहता है ठीक है जी तो फोर टू फाइव मंथ की ड्यूरेशन है कोचिंग की और पर डे आपकी थ्री टू फोर आर की क्लासेस होगी जिसमें आपका जो सारा का सारा स्टडी मटेरियल है ठीक है जी आपको वो नोट्स जो बुक्स होंगी वो आपको उसके अंदर ही कवर करेंगे हम सो so, नोट्स मटीरियल हमारी तरफ से रहता है बेसिकली मोक टेस्ट एवरी वीक होगा जो हम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं और यहाँ के जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट रिज़ल्ट है चाहे आप इसका यूट्यूब चैनल जो है और टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका लिंक जो है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आ... वीडियो कोर्स का एक्सेस जो है वो आपको फ्री में दिया जाएगा मींस कि जो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग होती है और वही सेम टू सेम कोर्स एक आपको एप्लीकेशन है हमारी ए ब्राइट अकेडमी वहाँ पर हम वन ईयर की वैलिडिटी रहती है ठीक है इसकी वो हम दे देते हैं वो भी मैं कम्प्लीट बता देता हूँ कि सो दैट वहाँ पे भी हम कवर कर लें तो वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको फ्री में दिया जाता है जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं एंड एक बेनिफिट दिया जाता है लाइफ टाइम ग्रीन कार्ड होगा टिल सिलेक्शन आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगेन अगेन यहाँ पे ट्रिपले ब्रैड अकेडमी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको फर्दर कोई भी डिटेलिंग चाहिए कोचिंग के लिए हर एक चीज़ की गाइडेंस आपको दी जाएगी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इवन आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे प्रॉपरली आपको गाइड किया जाता आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो सेक्टर फिफ्टीन ए मध्य मार्ग चंडीगढ़ राइट आपको लगता है कि हम ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं है उतना तो आप हमारा वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको एक ऐप आप का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आप एप्लीकेशन डाउन कर डाउनलोड करके उसमें आप रजिस्टर करके देन लॉगिन करके वीडियो कोर्स परचेज़ कर सकते हो जो आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स चाहिए मुझे ये कोर्स चाहिए आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो सो so, वीडियो कोर्स सारे के सारे एग्जाम के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड है ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड आई दोनों में मिल जाएगी, जाएगी प्ले स्टोर में मिल जाएगी ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी फुल सिलेबस कवर किया जाएगा इसका फ़ाइव प्लस वीडियोज़ हैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हैं पी नोट्स इसमें आपके रहेंगे ठीक है आप कोर्स बाई करने से पहले उसका डैमो देख सकते हैं वहाँ पे आप पहले डैमो देख लो आपको लगता है कि आ, सही है मेरे लिए देन आप उसके बाद परचेज कर सकते हो डैमो वीडियोस भी वहाँ पे रहेंगे आ, फ्री क्विज एंड टेस्ट इसमें सारे के सारे कवर किए जाएंगे ठीक है और बाकी जो आप वीडियो देख रहे हो एक वीडियो आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए वैलिडिटी जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो कोर्स की वन ईयर की वैलिडिटी रहेगी जब आप परचेज़ कर हो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया जाएगा और अगर आपको इसमें कोई डिटेलिंग पूछनी है गाइडेंस इसमें भी लेनी है अगेन आप व्हाट्सएप कर सकते हो इवन आप कॉल कर सकते हो नाइन डबल नाइन डबल एट डबल फोर डबल टू डबल जीरो वाले नंबर पर अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग के लिए और ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए ठीक है बट बेसिकली ये कि आप इस चीज़ की कोशिश करो अगर आप कहीं पे लैग करते हो कि आप कोचिंग ज़रूर लें और आपको लगता है कि चलो नहीं टाइम है इसके लिए भी तो आप इवन हमारे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हो ठीक है जी नोट्स भी, भी आप हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें फुल स्टडी मटेरियल सारा का सारा सिलेबस कवर होता है प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे ठीक है हाँ जो मटेरियल रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा मॉक टेस्ट आपको इसके साथ हम अपने साइड से फ्री देंगे ठीक है जो प्राइस है नोट्स के वो फोर रहेंगे इंक्लूडिंग जो भी आपको बताया जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो इसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि पहले कॉल करके कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो सो so, ये जो प्रॉपरली ये जो सीरीज़ है इसमें हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट एक एग्ज़ाम एक के साथ लेके आएंगे एक नेक्स्ट सेशन तो so, तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच